हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सुदीप और आप हैं इस वक्त मेरे चैनल थिंकिंग मॉडल पे। जी दोस्तों, तो आज की जो क्लास है, जैसा कि अभी आपने देखा, एक सर्किल जो कि बना है फ्रैक्टल नॉइस से, तो वो मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। तो सबसे पहले एक कंपोजिशन लेते हैं, जैसा कि हम हमेशा करते आए हैं, आपको पता ही है। और कंपोजिशन को एज इट इज़ हम छोड़ देते हैं। ये हम 15 सेकंड का ले लेते हैं, 15 सेकंड सफिशेंट होगा। नेम को मैंने कुछ भी नहीं दिया, नेम जैसा है कंपोजिशन का वैसा रहने दीजिए। और यहाँ पर बनाते हैं एक सॉलिड, इसको नाम दे देते हैं एनिमेशन। कलर ओके ओके है, ये एनिमेशन आ गया। और अब हम यहाँ पर लगाते हैं, अगर आप इफेक्ट एंड प्रेजेंट्स में जाएंगे, ये ऑप्शन आपको यहाँ ना मिले तो आप विंडोज़ पे क्लिक करिएगा। विंडोज़ में आप जाएंगे, आपको यहाँ पर इफेक्ट एंड प्रेजेंट्स का ऑप्शन मिलेगा, प्रीसेट्स का सॉरी। तो आप इसको यहाँ से एक्टिवेट कर लेंगे तो यहाँ आपको दिख जाएगा। देन यहाँ पर आप टाइप करिए NOISE नॉइस, तो आपको ये फ्रैक्टल नॉइस का एक ऑप्शन मिलेगा, जिसको कि आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। वैसे डबल क्लिक करेंगे तो भी अप्लाई हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके का एक एनिमेशन आपके सामने आ जाएगा। अब इसमें क्या क्या चेंजेस करने हैं ये मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आते हैं कंट्रास्ट पे और इसको कर देते हैं अराउंड 340 के आसपास, 340। और इसके बाद हम आ जाते हैं ब्राइटनेस पे, इसको मैं ले लेता हूँ -20 कर देता हूँ। चलिए 22 ठीक है, -22। हम आ जाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन पे, ट्रांसफॉर्मेशन में हम आ जाते हैं। और मैं इसको एनिमेट करके आपको दिखाता हूँ। 15 सेकंड का मैंने बनाया, 10 सेकंड पे हम काम करते हैं, 6 सेकंड पे काम करते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो। 6 सेकंड पे इसको मैं यहाँ से अपना कम कर देता हूँ और 2 राउंड का रोटेशन में रख देता हूँ। ओके, देन हम इसको अनचेक कर देते हैं यूनिफॉर्म स्केलिंग को। और अभी देखें कोई एनिमेशन तैयार है जी, अभी फ़िलहाल इस पर कोई एनिमेशन नहीं हो रहा है। ओके, आ जाते हैं हम स्केलिंग की विड्थ पर और इसको कर देते हैं अराउंड 225। स्केल हो गया, आप देख रहे होंगे। और हाइट को रहने देते हैं दोस्तों, हाइट को रहने दे देते हैं। और हम आते हैं कॉम्प्लेक्सिटी पे और इसके अंदर जो है इसको मैं कर देता हूँ अराउंड 20। ओके, गौर से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। इवोल्यूशन पर आते हैं और यहाँ पर हमें लगाना होगा क्या, एक्सप्रेशन। आपको पता है एक्सप्रेशन कैसे लगाते हैं, नहीं पता है तो आप मेरी क्लास को देख सकते हैं, उस पर मैंने आपको बताया था। इस पर भी बता देता हूँ, अल्ट के साथ आपको एक्सप्रेशन लगाना है। आप टाइप करिए टाइम, एस्ट्रिक का निशान, 150 और एंटर। ओके, ये हमारा इवोल्यूशन हो गया। अब कुछ ये हमारा इस तरीके का इफेक्ट तैयार है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे। अब हम क्या करेंगे, हम जैसे हैं उसी पर रहते हैं और यहाँ से हम लेते हैं सर्किल। ओके, ये सर्किल का ऑप्शन आ गया। सर्किल पर हम आ गए, आप देख रहे होंगे एक सर्किल पॉइंट आ गया है। और अब इस सर्किल के अंदर हमें क्या क्या चेंज करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सर्किल के अंदर सबसे पहले इसका रेडियस हम बढ़ाते हैं, जो कि बहुत ही कम है। इसे अराउंड 465 कर देते हैं। ये हमारा रेडियस कुछ इस तरीके का हो जाएगा। एज को हम कर देते हैं एज रेडियस। ओके, एंड इसको हम बढ़ा देते हैं 390 के आसपास। एक एग्जाम्पल के तौर पर ये है, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसे आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसा कोई इशू नहीं है कि जो मैं कर रहा हूँ वही आप करेंगे। देन हम फेदर में आते हैं और इसके आउटर और इनर को हम ऑलमोस्ट 100 कर देते हैं। ये जितना आप बढ़ाएंगे उतना फेदर इसमें आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा दोस्तों। देन हम आ जाते हैं ब्लेंडिंग मोड पर, और ब्लेंडिंग मोड को हम कर देते हैं स्टेंसिल अल्फ़ा। ये देखिए, अब जो हमारा एनिमेशन तैयार है वो कुछ इस तरीके का बनकर तैयार है दोस्तों। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आएगा और क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे क्या करना है वो मैं बताता हूँ। अब हम आते हैं अपने लेयर्स पैनल पे और यहाँ एक बनाते हैं एडजस्टमेंट लेयर। ओके, इस एडजस्टमेंट लेयर पे हम कुछ इफ़ेक्ट देते हैं। ओके, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो इस एडजस्टमेंट लेयर पर हम लगाएंगे एक और इफ़ेक्ट जिसका की नाम है ट्विल, TWIRL। सॉरी, स्पेलिंग गलत हो जाएगी तो नहीं मिलेगा आपको। TWIRL और ये मिलेगा आपको यहाँ एडजस्टमेंट लेयर पे हमने इसे लगा दिया। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम चेंज करते हैं। सबसे पहले इसका एंगल चेंज करते हैं जिसको कि हम 1 करते हैं, ये देखिए, और इसे कर देते हैं 80 के आसपास। ये देखिए, दूरदर्शन का आइकन बन गया आपका। ये है ना खूबसूरत। ट्रिल के रेडियस को थोड़ा बढ़ाएं, देखिए, तो आप इसे कम नहीं करेंगे, कम करेंगे ख़राब हो जाएगा, आप इसे ज़्यादा करेंगे। अराउंड 42, ठीक है। ये आपका ट्रिल का रेडियस हो गया। इसके बाद आप फिर से इफेक्ट पे आते हैं और यहाँ आप टाइप करिए 4 माइनस, ये आ जाएगा ग्रेडियंट कलर। ये देखिए, इसमें कलर आ गया दोस्तों। और ये इसके 4 पॉइंट हैं, 4 कलर आप देख रहे हैं। इनको आप सेंटर पर ला दीजिए ताकि कलरिंग अच्छे से आपको देख सके। आप देख पा रहे होंगे जैसे जैसे मैं सेंटर पे ला रहा हूँ, ये और बढ़िया कलर एकदम ब्राइटनेस के साथ आपको दिख रहा है। ठीक है, ये हो गया। देन आपको क्या करना है, ब्लेंडिंग मोड पे हम चलते हैं और ब्लेंडिंग मोड को मैं यहाँ से कर देता हूँ ओवरले। ये देखिए, अब जो एनिमेशन है वो कुछ इस तरीके का आपको दिख रहा होगा जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में दिखाया था। उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छा लगा होगा और इतनी क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। एक बात और दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ से आप देखिए ये जो ओवरले का ऑप्शन है, यहाँ से आप इसको अपने हिसाब से आप चेंज भी कर सकते हैं। सपोज़ आप कलर ले लीजिए, जो भी आपको अच्छा लग रहा है। आप सॉफ्ट लाइट ले सकते हैं, आपको नहीं अच्छा लग रहा आप सैचुरेशन ले सकते हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा आप मल्टीपल ले सकते हैं। जो कलर को ऑप्शन को आप चाहें वो चूज़ कर सकते हैं जिस पे आपको अच्छा लगे। ये देखिए, कलर बन पे ये ऑप्शन आ जा रहा है। अगर हम लाइटन कर देते हैं तो ये लाइट हो जाता है। तो ये कहने का मतलब ये इफ़ेक्ट आपको सब पर दिखाई देगा दोस्तों। सॉरी, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर इसको जो है ट्रांसपेरेंट रेंडर करना हो तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है, फिर एक बार बता देता हूँ दोस्तों। सिंपल आप कंपोजिशन में जाएंगे, कंपोजिशन में जाने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा, सॉरी ये गलत बटन पे क्लिक हो गया। सिंपली आप कंपोजिशन में जाएंगे, कंपोजिशन में ऐड टू रेंडर क्यू का ऑप्शन मिलेगा। मैंने इसको ऑलरेडी रेंडर कर रखा है तो मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ। सेटिंग आप फिलहाल इसे देख लीजिए, बेस्ट सेटिंग को आपको नहीं छेड़ना है। आप सिर्फ लॉसलेस में जाइए, AVI को आप क्विक टाइम कर दीजिए। क्विक टाइम इसलिए आप कर देंगे दोस्तों क्योंकि ये सपोर्ट करता है ट्रांसपेरेंट को। और RGB को आप कर दीजिए RGB अल्फ़ा। बाकी आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मेट ऑप्शन पर जाकर अल्फ़ा प्रो इज़ Triple 4 इसको आप चूज़ कर लीजिएगा। ये रेंडर ट्रांसपेरेंट को सपोर्ट करते हैं दोस्तों। ये कुछ फॉर्मेट्स हैं, बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर क्विक टाइम आपको नहीं दिख रहा है तो आप अपने गूगल पर जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा एप्पल के साइट से। देन इसको ओके कर दीजिए और यहाँ से आप लोकेशन चूज़ कर लीजिए कि किस लोकेशन को आपको सेव करना है। मैंने इसे ऑलरेडी सेव कर रखा है और मैं आपको दिखा देता हूँ डाउनलोड। ये मैंने अभी इसको किया था। अगर अब आप इसे प्ले करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का दोस्तों आपके सामने प्ले होगा और ये ट्रांसपेरेंट है जैसा कि आपने शुरुआत की वीडियो में देखा था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको दोस्तों समझ में आया होगा। ये क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुंचाइए ताकि मैं इस तरीके की वीडियोस बनाकर और आपके सामने ला सकूं। प्लीज़, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।